इस वीडियो के बाद काफी सारी गालियां पड़ने वाली है मेरे को कमेंट बॉक्स में, बट आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चंस। अब जितने भी बॉलीवुड के चहेते हैं वो भला बुरा बोलेंगे चलेगा, लेकिन आई वांट टू आस्क, देखिए जितने बॉलीवुड की तरफ से अवार्ड्स होते हैं उतने ही साउथ की तरफ से अवार्ड्स होते हैं। फिल्म फेयर वहाँ भी हैं, फिल्म फेयर यहाँ भी हैं, इनके अलग से अवार्ड होते हैं, उनके अलग से अवार्ड होते हैं, दोनों तरफ अपना अपना आईफा है। लेकिन कांस 2022 चल रहा है और इन लोगों ने अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड की है कि इंडियन सिनेमा की डेलीकेशन, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सितारे हैं। आर माधवन है माय फेवरेट, मैडी नवाज भाई है वहाँ पे, और भी कई सारे लोग हैं। अक्षय कुमार को कोविड हो गया इसलिए वो जा नहीं पाए, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। बट आई वॉन्ट टू नो, इस साल अभी तक डोमिनेट कौन कर रहा है, कौन होना चाहिए डेलीकेशन ऑफ इंडियन सिनेमा? आई वॉन्ट टू नो दिस। यू गाइज ऑल्सो कॉमेंट कि यार कहाँ है अल्लू अर्जुन यहाँ पर, कहाँ है रामचंद्र, कहाँ है NTR, कहाँ है आपके यस, कहाँ है प्रशांत नील, कहाँ है राजा मौली, कहाँ है सुकुमार जिन्होंने पुष्पा डायरेक्ट की है। दीज आर द गाइस जिन्होंने ये साल मनाया है। देखिए कोविड के बाद कितनी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवीज कौन सी रही? अगर आप इंडियन सिनेमा बोल रहे हो तो पवन कल्याण होने चाहिए थे, राणा दुग्गति होने चाहिए थे, क्योंकि जैसी भीमा नायक गई है आई डोंट थिंक सो साउथ की तरफ से इतनी बड़ी हिट मूवी इस टाइम ड्यूरेशन में कोई आई है। बट एवरी टाइम दे डू सो, हर बार यही रहता है, इंडियन सिनेमा के नाम पर वही गिने चुने 4 से 5 सितारे। भाई मान लिया दे आर गुड एट दिस, बट एटलीस्ट अप्रिशिएट तो किया जाए ना इन लोगों को। यानी मेरा पर्सनली मानना है कि भाई आप एक्टर्स लोगों को बुलाते हो, वाकई में यार वो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक चीज़ है उसको पर्दे पर लेके आते हैं, सबको रिलेट कराते हैं वो चीज़ें, बट जितना एक्टर का काम है आई थिंक उससे कहीं 20% ज़्यादा काम एक डायरेक्टर का होता है। एक स्टोरी को सोचना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, यार आई वॉन्ट दिस 3 गाइस, सुकुमार जिन्होंने पुष्पा डायरेक्ट की है, प्रशांत नील जिन्होंने KGF डायरेक्ट की है, RRR के डायरेक्टर मिस्टर राजामौली, ये लोग क्यों नहीं है यहाँ पे? आप लोगों ने आमिर खान को इनवाइट किया, आप लोगों ने अक्षय कुमार को इनवाइट किया, भाई नहीं आए वो लोग। अब उन लोगों को बुलाते तो वो बेचारे आ तो जाते कम से कम। और यही चीज ना चिरंजीव ने काफी साल पहले फील किया था कि यार हम लोगों को ना वो मिलता ही नहीं क्रेडिट इंडियन सिनेमा में जो मिलना चाहिए, एंड दिस टाइम आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम कि यार क्यों क्रेडिट नहीं मिलता इन लोगों को। प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट, जितने भी लोग यहाँ तक पहुंच गए वीडियो देखते देखते, एक बार आप कॉमेंट करके पर्सनली यार बताएं इस चीज के बारे में कि वाई दिस इज हैपनिंग एवरी टाइम। एक बार पहले राजा मौली के साथ हुआ था जब उन्होंने मक्खी मूवी बनाई थी, तो वो चाहते थे कि जो बॉलीवुड है वहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाए फिल्म फेयर में, इसको बस एक बार बताया जाए लोगों को टू ग्रैब द ऑडियंस, क्योंकि मूवी बहुत खतरनाक बनी थी, क्योंकि ऐसी टाइप की पहली मूवी थी। वहाँ भी उनको ऐसे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया, मना कर दिया गया कि यार ये इंडियन मूवी में तो है लेकिन बॉलीवुड में नहीं है। सो चलिए छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं, बाकी प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। बाकी मिलता हूँ यार बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ, बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए, तो तब तक आप सभी को अलविदा, बेल आइकन दबा के रखें, कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी है।